आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के मिलोनीगंज क्षेत्र शासकीय माध्यमिक शाला तमर्राही गोविंदगंज में आज उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे के मुख्य अतिथि एवं क्षेत्रीय पार्षद कविता गोविंद रखवार की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी एवं शाला के सभी शिक्षकों की मौजूदगी में आज स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शाला के सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विद्यालय गोविंदगंज जबलपुर में बच्चों के लिए 2 स्मार्ट क्लासेस का लोकार्पण किया गया। इससे बच्चों को जो डिजिटल क्लासेस है उसका भी बेनिफिट मिलेगा और उनमें एक आत्मविश्वास भी आएगा। और स्मार्ट क्लास के बहुत से फ़ायदे होते हैं क्योंकि जो चलचित्र चलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलती हैं, उनसे उनके दिमाग में डायरेक्ट जाती हैं और उनका ज्ञान बढ़ेगा और बच्चे दूसरे बच्चों के जैसे स्मार्ट बनेंगे और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये हमारे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती डोंगरे और हमारे सर डोंगरे सर के प्रयासों से माननीय विधायक अभिलाष पांडे द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। कविता गोविंद रैकवार, पार्षद हनुमानगढ़। 44 माध्यमिक शालाओं में पैनल और कंप्यूटर सेट लगाए जा चुके हैं ताकि बच्चों के क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम बनाया जाए और ये प्रक्रिया सतत चलनी है। लगातार हर 6 मासी में और ज़्यादा स्कूलों के कक्षाएं स्मार्ट क्लास बनेंगी। ठीक इसी तरह हमारे हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी 39 स्कूलों में ICT लैब बन गई हैं और लगभग 40 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बन गए हैं। तो मिडिल कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों में लगातार स्मार्ट क्लास बनाने का काम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है और ये सतत है। मतलब अगले बार फिर कुछ नए स्कूलों में ये कार्य होगा। अभी जैसे ये इसी स्कूल में 2 पैनल लगे हैं यहाँ पर और 2 कंप्यूटर सेट है, तो 1,20,000 के हिसाब से 2,40,000 का यहाँ पर सेट लगाए गए। उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत हमने 5S बनाकर ये पूरे काम करने का, डेवलपमेंट करने का प्रयास शुरू किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, इन 5 विषयों पर काम कर रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से उत्तर मध्य विधानसभा के अंदर अभी हमने CM राइज स्कूल जो विधानसभा से लेकर आए हैं और बहुत ही जल्दी वो सौगात जनता को देने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा सपना है कि क्लासेस स्मार्ट हों और जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो स्मार्ट पैनल्स के माध्यम से और साथ ही ई लाइब्रेरी बनाने का भी संकल्प उत्तर मध्य विधानसभा का है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे शिक्षा विभाग को कि सभी ने मिलकर आज जो ये स्मार्ट पैनल लगाने का काम गोविंदगंज स्कूल के अंतर्गत किया है, मुझे लगता है कि बच्चों को न सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उनकी पढ़ाई होगी बल्कि अन्य प्राइवेट संस्थानों में जब बच्चे जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी अपने आप को उनकी बराबरी का महसूस करेंगे। ये न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना बल्कि उनके आत्मबल को भी बढ़ाने का एक बड़ा काम शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में ये प्रयास रहेगा कि सारे स्कूल से स्मार्ट बने, सारी ई लाइब्रेरीज बने और डेवलपमेंट एजुकेशन में किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं उस दिशा पर ये महत्वपूर्ण प्रयास है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को आगामी भविष्य के लिए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।